बेरोजगार हैं, काफी प्रयत्न करने के बाद कोई रोजगार मिला नहीं। समय निकल गया 5 साल 10 साल 20 साल, अब ओवर एज भी हो गए हैं, अब कोई काम मिलता नहीं और मिले तो आप कर नहीं सकते। अब समाज में नहीं होती है आपकी इज्जत, बिना पैसे के कुछ नहीं कर सकते दोस्तों इस जीवन में आप। तब मैं आपको बता रहा हूं ऐसा उपाय जो आप अपने घर बैठे कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं आगे चलूं, इससे पहले अल्टीमेट ज्ञान में जुड़ने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, और प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखने वाले, जय माता दी लिखने वाले अपने दोस्तों का तो हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ बने रहें तो हमारा मनोबल भी बढ़ता रहेगा। तो आ जाते हैं दोस्तों अपने सफर पर। दोस्तों आज का सफर है कि बिना एक भी पैसा लगाए लाखों के मालिक बने। अब दोस्तों लाखों शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप कहेंगे कि लाख भी कोई रुपए होते हैं, लाखों की क्या बात की। दोस्तों जिनके पास कमाई नहीं है, जिनके पास लाख रुपए कर्जा हो जाता है, उनसे पूछो कि लाख रुपए की कीमत क्या होती है, नींद नहीं आती उन्हें, नींद नहीं आती दोस्तों, हकीकत है। पर दोस्तों आप अपने समय को अब बर्बाद ना करें। जितना समय चला गया वह चला गया, आप किसी भी प्रकार के कार्य करने के लायक नहीं हैं, या नहीं करते, या मिलता नहीं है, कोई बात नहीं। मैं अपना एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूं दोस्तों। एक बार मेरे एक दोस्त मेरे पास अपने बच्चे के साथ मेरे घर पर आए, और मैंने उस छोटे बच्चे से दो प्रश्न पूछ लिए। वह बच्चा 5वीं कक्षा में ही पढ़ता था। अब दोस्तों उस बच्चे को प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं था, हालांकि बड़े आसान प्रश्न थे, पर वह बच्चा था ही हकीकत में पढ़ाई में कमजोर। मैंने एक दो बातें और पूछी, तब मेरा दोस्त कहने लगा, जी हकीकत में ही हमारा बच्चा पढ़ाई में कमजोर है। तो मैंने कहा फिर कोई दिक्कत नहीं, आप ये पढ़ाई में कमजोर है तो कोई पढ़ाई पीछे से थोड़ा ना लेकर आता है, कोई लाओ इसको सिखा दिया करेंगे और ये पढ़ाई में होशियार हो जाएगा। मैंने कहा कि आप मेरे घर पर आ जाया करो। बच्चा घर आने लगा, मैंने उसको 1 महीने तक पढ़ाया दोस्तों। 1 महीने के बाद उसकी परीक्षा थी, लेकिन उसके पापा ने, मेरे दोस्त ने पूछा कि पंडित जी अपना अब पैसा बताओ 1 महीने का। मैंने कहा ये मैंने समाज सेवा के रूप में पढ़ाया है, ये मेरा ही तो बच्चा है, मैं इसके पैसे थोड़े ना लेऊंगा। पर दोस्तों उस वक्त तो वह दोस्त चला गया, लेकिन उसकी पत्नी ने 1 केजी घी 1 किलो देसी घी अपनी भैंस का भिजवाया। दोस्तों उस समय उसकी कीमत 650 रुपए हुआ करती थी। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि यदि मैं कहूं कि आप इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाने लग जाएं और अपना कार्य शुरू कर दें, तब भी आप नहीं कर सकेंगे दोस्तों, क्योंकि आप उसके पहले ही नकारात्मक पहलुओं को ध्यान में रख करके चलते हैं। अब दोस्तों आपने सोचना है कि आपने करना कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ अपने दोस्त के घर जाना है, किसी के भी पास जिसके छोटे बच्चे हों, पढ़ते हों 5वीं में 6ठी में 4थी क्लास में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतनी क्लास के बच्चों को आप आराम से पढ़ा सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। आप सिर्फ उनसे 1-2 क्वेश्चन करें, वो बच्चा नहीं बता पाएगा या उनकी समझ में नहीं आएगा कोई बात, आप उनके पास रोज जाने लगे, बच्चों को 2-2 बातें सिखा दिया करें।
यानी आप इसे समाज सेवा के रूप में शुरू कर दें कि मैं यह समाज सेवा कर रहा हूँ। दोस्तों 5 दिन 7 दिन 10 दिन के बाद वो बच्चा आपसे हिलमिल जाएगा और वह आपसे पढ़ने की रुचि भी बनाएगा और आप उसको पढ़ा भी देंगे, अच्छी प्रकार से पढ़ा देंगे। जब वह बच्चा पढ़ने लगेगा आप उससे कोई पैसा भी नहीं लेंगे तो दोस्तों आप 1 महीने के अंदर अंदर देखेंगे कि वह बच्चा स्वयं आपकी पब्लिसिटी कर देगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, कोई दुकान बनाने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है और वह बच्चा इतनी पब्लिसिटी करेगा आपकी कि आपके पास स्वयं बच्चों के माता पिता आने लगेंगे कि हमारे बच्चों को भी पढ़ा दिया करो। तो बस फिर क्या है, फिर आप अपनी एक छोटी सी फीस रख दें, आपके पास 8-10 बच्चे भी आने लग गए, शुरुआत हो जाएगी आपकी और आप उन पैसों को 5 साल तक खर्च नहीं करेंगे। दोस्तों आप यही सोचेंगे कि मैं 5 साल तक कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं अब भी तो बेरोजगार हूं तो मैं 5 साल तक बेरोजगार ही समझो। और दोस्तों उन्हें अपने पोस्ट ऑफिस में जमा करें जहां से पैसे निकले नहीं, हर महीने वाली किस्त डालें 5 साल। आप देखेंगे दोस्तों 5 साल में आपके पास 4-5 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये पैसे मैंने कमाए हैं। दोस्तों फिर आपके अंदर और भी बुद्धि स्किल बढ़ने लग जाएगी और आप नई तरह की सोच बनाने लग जाएंगे, पढ़ाने के माध्यम पे भी और रुचि लेकर स्वयं भी पढ़ेंगे और दूसरों को भी पढ़ाएंगे। और दोस्तों आपका रास्ता स्वयं ही बन जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो आप किसी भी रास्ते को, अब जो मैंने ये रास्ता बताया है इसे सामाजिक तौर पर, समाज कल्याण के तौर पर, मैं किसी की सेवा कर रहा हूँ इस तौर पर शुरू कर दीजिए। आप यही ना सोचिए कि मैं किसी के लिए जो काम कर रहा हूँ लोगों की समझ में आए कि मैं कोई व्यवसाय कर रहा हूँ, बस ये उनकी समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन यह आपका समाज की जो सेवा है यह स्वयं ही आपका व्यवसाय बन जाएगा, आप देखेंगे और स्वयं ही इसमें अत्यधिक लाभ उठाएंगे। दोस्तों आप ऐसा करें और आज ही इसका प्रयास शुरू कर दें। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अपना यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, तो इसे शेयर भी कर दें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी, जय माता।